हेलो एंड वेलकम टू एमी क्रेजी तड़का। मेरा नाम है अमृता और आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी सेवई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है और अगर आपको जल्दी से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और आपको झटपट सी कोई एक मीठी डिश बनानी है तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्राइब के बाजू में आप देख सकते हैं कि बेल का आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मेरी रेसिपी की सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए ये बनाते हैं मीठी सेवई। मीठी सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ी कटोरी सेवई, ये रोस्टेड सेवई है, एक चम्मच घी, प्योर घी, यहाँ पर इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, 3 चम्मच चीनी, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने बादाम और काजू लिया है, आप चाहे तो आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, और 1 कप पानी। देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को गरम कर लिया है, इसको अब सिम कर देंगे। सिम करने के बाद इसमें घी डालेंगे, घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए अब घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अभी हम इसमें सेवई को ऐड कर देंगे। ये सेवई रोस्टेड है इसलिए इसमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने रोस्टेड सेवई यूज़ नहीं की है तो उसको थोड़ा और ज़्यादा भूनना पड़ जाएगा। सेवई भूनते वक्त आँच को हमेशा धीमी रखें वरना सेवई जल सकती है। देखिए इस तरह से इसे हिलाते रहना है और ध्यान रहे कि सेवई को ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ऑलरेडी भुना हुआ सेवई है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप इसे और ज़्यादा भूनेंगे या हाई फ्लेम में भूनेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। और आप देख सकते हैं सेवई को हमने भून लिया है, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट भून लीजिए इसे अच्छे से। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच और इसमें स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी लिया है, छोटा चम्मच, और इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है आपको वरना सेवई जो है एकदम नरम हो जाएगी। अभी हम सेवई को 5 मिनट तक ढक के पकने देंगे और आँच को धीमी रखें और बीच बीच में हिलाते रहें। अभी हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए हमारी सेवई ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस अब इसे ढक के और 1 मिनट पकाएंगे। अब 1 मिनट हो चुका है, अभी हम सेवई को सर्व कर लेंगे, गैस बंद कर लेंगे और इसे गरम गरम सर्व कर लेंगे सर्विंग बाउल में। देखिए हमने सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है सेवई को और कम पानी डालने से बहुत ही अच्छी बनी है ये, अदरवाइज़ बहुत नरम हो जाती है ये। अभी हम इसे कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। और अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।